यस बॉस, कैसे हो आप लोग। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, FMSM के अमेंडमेंट से रिलेटेड इस वीडियो में बात करूंगा, और साथ ही साथ ICAI के साथ मेरी एक पर्सनल नाराजगी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। FM में क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे जनवरी 25 के स्टूडेंट्स के लिए, और SM में क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे जनवरी 25 के स्टूडेंट्स के लिए, वो सारा डेटा रिकॉर्ड में मैंने लिया है। पिछले दो दिन से मैं लगातार इस पर काम कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम आपको चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं जनवरी के लिए जोरदार लाइव फ्री लाइव क्लासेस एंड रिवीजन लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना, बहुत सारे दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बात जनवरी 25 की है, लेकिन मैं बात मई 25 के रिवाइज्ड ICAI स्टडी मैट की कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स ICAI ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बच्चों के बड़े सारे सवाल है कि क्या सर ये सारे अमेंडमेंट जनवरी के लिए एप्लीकेबल होंगे। मेरा कहना है हाँ या ना, बाद में बताऊंगा, बट मेरा कहना है, कुछ लॉजिक है, ध्यान से सुन लेना। जनवरी 25 के लिए जो ICAI का स्टडी मैट आया है ICAI के पोर्टल पे, वो वही वाला था जो सितंबर का है, और ICAI ने ऐसा बोला है, और मेरे को इस बात से लेके काफी नाराजगी है। आई एम रियली, मतलब कुछ ऐसा ही है, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आप मई 25 के सारे अमेंडमेंट सुन लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या करना है, और यहां से जो हम टेक अवे लेके जाएंगे उसको जनवरी 25 के एग्जाम में बिना मिस्टेक के, बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को सुने हुए फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इफ यू एट ऑल ट्रस्ट मी। सो गाइस, ऐसा है कि चैप्टर 1 और 2 में मई 25 के लिए जो नया स्टडी मैट आया है मई 25 वाला, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो अभी जनवरी के लिए भी नहीं है। रेशियो वाले चैप्टर में 8, 9, 10, 11 करके ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 पहले थे, एक क्वेश्चन नया जोड़ा है, और साथ ही साथ एक सिनेरियो जोड़ा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक सिनेरियो जोड़ा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में एक सिनेरियो जोड़ा है, ध्यान से सुनना। लीवरेज के चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक केस सिनेरियो जोड़ा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में केस सिनेरियो जोड़ा है, डिविडेंड डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी इंस्टीट्यूट ने दोनों में एक एक केस सिनेरियो 8.45 एंड 9.126 नंबर पेज पर डाला है। अब ये हो गई आपके FM के अमेंडमेंट्स की बात, जो कह रहे हैं कि मई 25 के लिए एप्लीकेबल है। मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है ICAI से, भाई केस सिनेरियो तो हर अटेम्प्ट में आप नया पूछ ही रहे हो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन MCQs आप पूछ ही रहे हो, और साथ ही साथ आपने पिछले 2 अटेम्प्ट निकाल दिए, दोनों में पूछा है, तो ये जो क्वेश्चंस आपने दिए हैं इसकी क्या गारंटी है, बिकॉज कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, सिनेरियो आ गया है, तो क्या जनवरी 25 के बच्चों को ये कवर नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट कह के उनको छोड़ देना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी, ऐसी गलती मत करना। एक तो ये बात, ICAI से क्या इसमें मुझे बात करनी है वो लास्ट में करूंगा, पहले अपन काम की बात करते हैं। उसके बाद SM में जहां तक बात है, चैप्टर 1 में 3 क्वेश्चन, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 में 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 3 में अगेन 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 में 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड 5 में 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ICAI ने ऐड किए हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जितने केस सिनेरियो आए हैं ये हमारे ही पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के स्पिन ऑफ है, नंबर 1। नंबर 2, जो RTP MTP और बाकी चीजें ICAI ने अभी सितंबर और मई के लिए रिलीज करी थी नई वाली, ICAI ने क्या किया है, उन्हीं के क्वेश्चंस को उठा के एडिशन कह के डाल दिया है, जिसको बहुत सारे बच्चे अमेंडमेंट मानेंगे और ऐसा मानेंगे कि मई 25 वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ये धोखा है। आपको मई 25 के स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो जनवरी 25 के लिए करके जाने हैं। अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मैं YouTube पे स्पेशल इसका रिवीजन वीडियो सेपरेटली डाल दूंगा, सारे अमेंडेड क्वेश्चंस न्यू प्रैक्टिस के नाम पे मैं आपको सारा वीडियो बना के दे दूंगा। अब प्लीज इसको करके जाना, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट नहीं है, एडिशन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाला है, और वैरायटी तो हमें प्रैक्टिस करनी ही होती है। अब एक लास्ट बात, ICAI से, मतलब इतनी निकम्मा पंथी भी मेरे को ठीक नहीं लगी, मतलब बोर्ड से मैं इतनी एक्सपेक्ट करता हूं। अरे भाई, जो लेटेस्ट जो हमारा करंट स्टडी मैट है, प्रिंटिंग का मैटर अलग होता है बॉस,
जो हमारा लेटेस्ट स्टडी मैट है उसमें ये एडिशन कर देते। अमेंडमेंट का मतलब जनरली बच्चे या टीचर क्या समझते हैं, कोई नया टॉपिक आया, कुछ ऐड हुआ, कुछ डिलीट हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ वैरायटी, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आया जो अब तक नहीं था कहीं भी। पास्ट ईयर हम करते हैं, आरटीपी करते हैं, एमटीपी करते हैं, इनके क्वेश्चन को जोड़ना हम अमेंडेड स्टडी मटेरियल आज तक मतलब आईसीआई की हिस्ट्री में मैंने नहीं सुना। मैंने खुद स्टडी मैट लिखने के लिए काम किया, मैंने नहीं सुना। तो मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है, बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 हाथ जोड़ के, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी, अकाउंटिंग बॉडी, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारी मदर बॉडी है, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई कांड आगे से ना कीजिए। इससे हमारे रेपुटेशन पे, इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन पे ना चाहते हुए भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है और फिर लोग बातें बनाना शुरू करते हैं, जैसे आज मेरे को भी बोलना पड़ा। लेकिन इतना कुछ सीरियस नहीं है जिसको मैं कह दूं कि इंस्टीट्यूट ने कोई गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया, लेकिन रेपुटेशन को, ब्रांड को धक्का लगता है जब आप दो चार क्वेश्चन ऐड करके अमेंडेड स्टडी मटेरियल का नाम दे देते हैं, तो लोग ये सोचेंगे बाहर वाले कि जो बोर्ड में बैठे हुए प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जो स्टडी मैट लोग लिखते हैं, वो मेहनत ही नहीं करते, वो टाइम पास करते हैं और बस जोड़ घटाव करके और ऐसे समझा देते हैं जी बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हो गया है, राइट। सो गाइस, आपको ये सारे लिस्ट, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, आप वीडियो दोबारा सुन लेना पीछे जाके, चैनल पे बने रहना, बेल आइकन को पुश करके रखना, नोटिफिकेशन बहुत कम बच्चों को जा रही है, एक्टिव हो जाओ। जनवरी 25 के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल ओम त्रिवेदी पे लाइव क्लासेस रेगुलर लेके आ रहे हैं, FM, SM, SM का फास्ट ट्रैक रिवीजन, FM का फास्ट ट्रैक रिवीजन, इंक्लूडिंग MCQ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिनेरियो प्रैक्टिस, एंड ये सारे अमेंडमेंट मैं आपको कराने वाला हूँ लाइव आके, और लगातार 2-2.5 महीने हम पढ़ने वाले यूट्यूब के ऊपर। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी 25 एंड मे 25 प्रिपरेशंस, ऑल द बेस्ट।